गाइज ये तो हम सभी को ही पता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है लाइक GPS इंटरनेट तो उसे सीक्रेटली सबसे पहले मिलिट्री ही यूज करती है। बट आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मिलिट्री साथ ही कुछ ऐसे भी हैक्स का यूज करती हैं जो उन्हें एनिमी सोल्जर से कहीं आगे रखता है। तो यार चलो आज इस मिलिट्री स्पेशल फुल इंटरेस्टिंग वीडियो में हम मिलिट्री हैक्स के साथ कुछ ऐसे भी फैक्ट्स जानते हैं जो आपका माइंड ब्लोन कर देंगे। यारो इंडियन आर्मी जब भी रात में किसी मिशन पर जाती है तो हमेशा ही अपने बैग में लियोपार्ड का यूरिन रखती हैं। दरअसल इंडियन आर्मी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि रात के समय डॉग्स अलर्ट रहते हैं और जब भी उन्हें किसी दूसरे पर्सन का पता चलता है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। अब इन्हीं डॉग्स को चकमा देने के लिए इंडियन आर्मी रात में अपने कपड़ों के ऊपर इस लियोपार्ड की यूरिन को छिड़क लेती है, जिसे जब कोई भी डॉग स्मेल करता है तो भौंकने की जगह भाग खड़ा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके एरिया में कोई लियोपार्ड है। वैसे इस इंटरेस्टिंग टेक्निक का यूज इंडियन आर्मी ने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में भी किया था। वैसे भाई ये लियोपार्ड का यूरिन मिलता कहाँ है? वो जेठालाल थोड़ा मांग रहा है। देखो यारो आप अपने डेली ही लाइफ में बहुत से ऐसे काम करते होंगे जिसमें आपको ज्यादा ऊंचा उछलने या ज्यादा वजन को उठाने की जरूरत पड़ती होगी, जस्ट लाइक दिस चूहा। अब इन्हीं कामों के लिए मेरे पास आपके लिए मिलिट्री की एक बहुत ही जबरदस्त ब्रीदिंग टेक्निक है। इस ब्रीदिंग टेक्निक में आपको किसी भी वेट को उठाने से पहले या फिर जंप करने से पहले आपको एक लंबी सांस लेना है और वेट उठाते समय या जंप करते समय उसी सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसे करने से आप इन एक्टिविटीज करने के दौरान अपने शरीर के हर मसल्स तक ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर पाते हो, जिसे आपका मसल प्रॉपरली काम करते हुए आपकी ताकत को बढ़ाता है। और भाई अगर मेरे ऊपर यकीन न हो तो आप बगल में कोई भी पड़ी हुई चीज को उठाओ, एक बार सांस लेते हुए और एक बार सांस को बाहर छोड़ते हुए, आपको रिजल्ट खुद पता चल जाएगा। गाइज अगर आपने कभी भी मिलिट्री के गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ये जानने में जरा भी टाइम नहीं लगा होगा कि मिलिट्री व्हीकल्स के नंबर प्लेट्स आम गाड़ियों के नंबर प्लेट से बिल्कुल हट के होते हैं। आम गाड़ी में जहाँ उनके नंबर प्लेट्स उनके स्टेट को बताते हैं, वही मिलिट्री व्हीकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यार चलो आज मिलिट्री की तरह हम भी उन्हें डिकोड करना सीख लेते हैं। तो देखो मिलिट्री व्हीकल के नंबर प्लेट्स 5 पार्ट्स के मिलकर बने होते हैं। पहला पार्ट होता है ये अपवर्ड एरो, जो ब्रिटिश टाइम से ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा पार्ट होता है ये 2 डिजिट नंबर, जो व्हीकल के इंडक्शन डेट यानी कि गाड़ी फॉर्मली किस साल से यूज की जा रही है उसको बताता है। यार तीसरा पार्ट होता है ये अल्फाबेट, जो कि गाड़ी के क्लास को बताता है। बी अल्फाबेट कार्स एंड जीप को, पी आर्मी बस को, तो वहीं के अल्फाबेट आर्मी एम्बुलेंस को। लास्ट के 2 पार्ट होते हैं 6 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एक अल्फाबेट जिसे चेक कोड कहा जाता है। अब यार जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई मिशन होता है तो उसके बाद मिलिट्री अपने सोल्जर्स के बीच मीटिंग करती है, जिसमें मिशन के दौरान हर आने वाली अननोन चीज का डिस्कशन होता है। इस मीटिंग में मिशन पर गए ट्रूप्स को डेड एनिमीज के साथ उन एनिमीज की भी डिटेल देनी होती है जो फाइट के दौरान उनके हाथों से बच निकलते हैं। अब यहाँ मिलिट्री एक ऐसी मेमोरी टेक्निक का यूज करती है जिसे दूर खड़ा इनमें भी अगर उन्हें सिर्फ एक बार भी दिख जाए तो वो उसका पूरा फेशियल डिटेल्स भी बता सकते हैं। इस मेमोरी ट्रेनिंग में उन्हें सबसे पहले एक फ्लैशलाइट और एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा दिया जाता है जिसे उन्हें उस समय पढ़ने की इजाजत नहीं होती। अब इन दोनों सामान को लेकर सोल्जर को डार्क रूम में जाना होता है, जहाँ एक चेयर पर बैठकर उनको फ्लैशलाइट को बस कुछ क्षण के लिए पेपर पर ऑन करना होता है। अब बस उतने ही मिलीसेकंड्स में सोल्जर्स जो भी पढ़ते हैं उनको उस डार्क रूम में उसे इमेजिन करना होता है। अब ऐसे ही तकरीबन 20 मिनट की ट्रेनिंग के बाद सोल्जर उस पूरे ही न्यूज़पेपर के पार्ट को लॉडली बोल पाते हैं। अब इंडियन एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स के सेम फेशियल फीचर्स की वजह से ऐसे ही मिलिट्री मेमोरी टेक्निक का यूज हमारे इंडियन सोल्जर्स ने भी कारगिल वार के समय किया था। वैसे यार अगर आप कारगिल वार एंड इंडियन मिलिट्री के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा कारगिल वार सागा को, जिसको आप सुन सकते हो कुकू FM ऐप पर। वैसे अगर आप कुकू FM ऐप को नहीं जानते हो तो ये एक बहुत ही मस्त ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग है और जहाँ पर न सिर्फ ऑडियो बुक्स बल्कि 1000 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल बुक समरीज भी अवेलेबल है। एंड यार बुक्स पढ़ना क्यों जरूरी है ये आप इन बिलियनर से ही पूछ लो, क्योंकि हर इंटरव्यू में इन्होंने अपनी सक्सेस का सीक्रेट बुक रीडिंग को ही बताया है। अब जहाँ आजकल के समय में हमारी आंखें वैसे ही दुखती रहती हैं, वहाँ ये ऐप आपके आंखों को रिलैक्स करके आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज देने वाली है। इस बार कुकू FM पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को जो WTA50 कोड को यूज करेंगे। कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे जरूर ही चेकआउट कर लेना। एक बार एक शो के दौरान एक पॉपुलर मैजिशियन जिनका नाम डेविड ब्लेन है, उन्होंने लाइव ऑडियंस के सामने ही ग्लास को खा लिया था। अब गाइस इस ट्रिक को कोई भी देखेगा तो उसको यही लगेगा कि पक्का इस मैजिशियन ने कोई ट्रिक से बस इस ग्लास को खाने की एक्टिंग की है। वेल गाइस कुछ समय पहले तक मुझे भी यही लगता था, बट जब मैंने यही कारनामा करते हुए पारा स्पेशल फोर्सेस को देखा तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया। जब मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो पाया कि ये वीडियो तो बिल्कुल रियल है एंड एक्चुअल में पारा स्पेशल फोर्सेस का ये एक रिचुअल है जिसमें उनके हार्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें एक ग्लास में रम
रम या फिर रेड वाइन दिया जाता है, जिसे उन्हें एक ही बार में पीकर ग्लास के कुछ पार्ट को खाना भी होता है। पर भाई जाहिर सी बात है, अगर हम ग्लास को खाएंगे तो क्या हमारे मुंह से ब्लीडिंग नहीं होगी? और भाई ब्लीडिंग का तो दर्द बाद में होगा, पहले इस महान कारनामे के लिए हम घर वालों से ही कुटा जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही डेंजरस है, बट इसको करने का भी एक सिंपल एंड लॉजिकल टेक्निक होता है। देखो, जो ग्लास होती है वो आखिर बनी तो बनी रेत ही से होती है ना, तो जब इन्हें खाने की बात आती है तो जो पारा स्पेशल फोर्सेस होते हैं वो इस रेत से बने ग्लास को अपने दांतों से वापस ग्लास से रेत जैसे छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं। बस ग्लास को चबाते समय वो ये ध्यान रखते हैं कि वो ग्लास को अपनी टीथ के बीच एकदम फ्लैट रखें और अपने जीभ से उन्हें सिर्फ धीरे धीरे ही अरेंज करें। अब यार इसके पीछे कैसी भी लॉजिकल ट्रिक हो, मैं एटलास्टली आपसे बस यही कहूंगा कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम, स्कूल, बरामदा, सीढ़ी या छत या कहीं भी। मैंने इसके पीछे का आपको बस साइंस बताया है, तो मेरे जैसे आम बालक की तरह आप भी इसके साइंस जानकर ही खुश रहो। गाइज, आपने बचपन में ये तो जरूर सुना ही होगा कि बेटा गाजर खाने से आंख हेल्दी रहते हैं, पर आपका क्या रिएक्शन होगा जब आप जानोगे कि ये एक फैक्ट नहीं बल्कि एक मिथ है। यस गाइज, आपकी आंखों का गाजर खाने से कोई लेना ही देना नहीं है। दरअसल इस मिथ को सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ब्रिटेन ने इसलिए फैलाया था क्योंकि उस समय तक उन्होंने रडार का इन्वेंशन कर लिया था, जिसे अल्टीमेटली वो रातों की अधिकतर लड़ाइयां जीतने लगे थे। पर जब दूसरे कंट्रीज ने इनसे पूछा कि आप ये कैसे कर ले रहे हो, तब उन्होंने ये बहाना दे दिया कि अब वो अपने सोल्जर्स को खूब गाजर खिला रहे हैं, जिससे उनकी आईसाइट इतनी तेज हो गई है कि अब उन्हें रात को भी दिखता है। एंड गाइस गेस व्हाट, इस बात को दूसरे कंट्रीज मान भी गए और अपने सोल्जर्स को भी गाजर खिलाना स्टार्ट कर दिया। अब यार चलो हम इन्फॉर्मेशन के साथ लाफ्टर का भी ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे मिलिट्री मीम्स को भी देख लेते हैं जो आपको जरूर हंसा देंगे। व्हेन मिलिट्री ड्रिंक अल्कोहल, दिस इज नॉट हार्ड। व्हेन ड्रंकर ड्रिंक अल्कोहल, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हाँ भाई, इसमें क्या लॉजिक है यार, जब मिलिट्री पिए तो कुछ नहीं और जब ड्रंकर ड्रिंक करे तो सब कुछ। Talking to a military officer in other countries. Officer, thank you for your service. In India, भाई कैंटीन से एक ब्लेंडर्स की बॉटल निकलवा दे। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, मिलिट्री इज इक्वल टू कैंटीन। 2x zoom, 4x zoom, 8x zoom in exams. वाह भाई, इसको देख के तो आंख भी सोच रहा होगा। स्कूल प्रिंसिपल, डिसिप्लिन दे वांट एट स्कूल, डिसिप्लिन वी हैव। जिगर तो सबके पास होता है लेकिन सब हिम्मत वाले नहीं होते। बुक्स भी सबके पास होता है लेकिन सब पढ़ने वाले नहीं होते। भाई इतना सच नहीं बोलना चाहिए यार। तो यार वो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी आवाज में थोड़ी चेंज लगी हो तो यार माफ कर देना, जुकाम था भाई। और अगर गलती से भी वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही फन इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।